नैनीताल के लाल कुआं नगर के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में आयोजित 4 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव का समापन भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। दोपहर को अंबेडकर नगर के देवी मंदिर परिसर से गाजे बाजे के साथ भगवान श्री गणेश की शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं ढोल नगाड़ों एवं डीजे के बीच गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष से पूरा नगर गुंजायमान हो उठा। विसर्जन यात्रा पर मुख्य आकर्षण का केंद्र राधे कृष्ण और शिव पार्वती तथा अघोरी की झांकी रही। वहीं बाहर से आए कलाकारों ने डीजे के माध्यम से शानदार सुंदर सुंदर झांकियां प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। शिव और अघोरी झांकी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। बताते चले कि लाल कुआं नगर के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में बीते 7 वर्षों से 4 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। इस वर्ष भी युवा जागरण कमेटी लाल कुआ की ओर से अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 के देवी मंदिर में 4 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजित श्री गणेश महोत्सव के समापन पर गाजे बाजे तथा डीजे के साथ विसर्जन यात्रा शुरू हुई, जो कि संपूर्ण नगर में घूमी। इस दौरान जगह जगह बाहर से आए कलाकारों द्वारा सुंदर सुंदर झांकियां दिखाई गईं। वहीं गणपति के भक्तों ने अबीर गुलाल की होली खेली। देर शाम काठगोदाम स्थित रानी बाग में प्रतिमा का विसर्जन कर दिया गया। शोभा यात्रा से पूर्व मंदिर परिसर में श्री गणेश का हवन करने के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भंडारा ग्रहण किया। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी। अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता: रेलवे लाइन के किनारे निकट दालमील पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र के गांव मदनुकी में करंट लगने की घटना हुई है। शनिवार सुबह 4 युवक मदनुकी गांव के जंगल में पेड़ काटने गए थे। चारों ने अभी पेड़ काटना भी शुरू नहीं किया था कि अचानक बहुत नीचे से गुजर रही हाई टेंशन तार ने चारों को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें थाना गंगोह इलाके के गांव फतेहपुर के रहने वाले 25 साल के नौशाद, 28 साल के सद्दाम तथा 20 साल के अजय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इनका तीसरा साथी आरिश गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे का पता लगते ही सैकड़ों ग्रामीण व थाना पुलिस के अलावा भाजपा विधायक देवेंद्र निम भी मौके पर आ गए। ग्रामीण ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अनुज कुमार, मैं ग्राम प्रधान मदनू की। आज सुबह 8:30 बजे, लगभग 8:30 बजे, एक गांव में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना की पूरी जिम्मेदार बिजली विभाग है। बिजली विभाग की एक नई लाइन गांव के खेत के जंगल से जा रही है, बिना परमिशन के, बिना इसकी सेफ्टी के, जिसमें सेफ्टी कार्ड डलता है ना तार में। तो कुछ मजदूर पेड़ देखने के लिए गाँव में आए हुए थे, जो तीतर थाने के लगभग गांव में उनका पड़ता है फतेहपुर, वहाँ के मजदूर थे, तो पेड़ देखने के लिए आए थे, वो इसकी चपेट में आ गए। जबकि इसमें कोई लाइट अभी चालू नहीं करी, कहाँ से लाइट आई, कहाँ से, तो बिजली विभाग बताऊँगे। जो हमारे एक्शन है उनसे बात हुई, एक्शन साहब अक्षय जिनका नाम है, वो कह रहे हैं कि हमारे विभाग की तो लापरवाही नहीं, अब तक कोई अधिकारी बिजली का मौके पर नहीं पहुँचा। और यहाँ लोगों में पूरा आक्रोश है, उनके परिजनों में पूरा आक्रोश है, सब लोग ये चेहरे की ना इंसान मिले, क्यों बेगुनाह एक एक बच्चे, 3 लोग की मौत होगी, चौथा जो है घायल है, और काफ़ी लोग और चपेट मारते हैं, क्यों घास लेने के लिए गांव में से काफ़ी लोग जो है खेत मारते हैं। बड़ी दुर्घटना होने से और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, तो इसके सबका जिम्मेदार बिजली विभाग है। बिजली विभाग की लापरवाही, इतनी लापरवाही है, आप अगर 1 मिनट कैमरा मैन दिखाना चाहो तो दिखा दो लाइन की, तार जो है बिल्कुल नीचे न जा रही है। जब तक इसमें नीचे न तार है, जब पूरी लाइन कंप्लीट नहीं हुई, तो बिजली कहाँ से छोड़ दी इन्होंने।
एक्शन साहब से फोन करा, एच डी ओ साहब से फोन करा, चीफ साहब से फोन करा, अभी तक बिजली विभाग का कोई अधिकारी नहीं आया। जब तक बिजली विभाग का कोई अधिकारी नहीं मौके पाओगा तो यहाँ से लाश हम लोग नहीं उठने देंगे, इन साहब जब तक नहीं मिलने का, जब तक जो है हम नहीं लाश को यहाँ से नहीं उठाने देंगे। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने एक महिला को प्रतिबंधित 75 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया है। बता दें कि उधम सिंह नगर में नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। नशे की गिरफ्त में आकर युवा अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो वहीं देश का भविष्य भी अंधकार में जाता जा रहा है। नशे पर अंकुश लगाने के लिए उधम सिंह नगर पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी के चलते सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आदर्श नगर की गड्ढा कॉलोनी में एक महिला नशीले इंजेक्शन बेचने का काम कर रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक महिला को 75 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में पकड़ी गई महिला ने अपना नाम रेहाना बेगम बताया है। पुलिस ने महिला का मेडिकल परीक्षण कराकर उसे न्यायालय भेज दिया है। इस दौरान सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान चल रहा है, इसी के चलते पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। देखिए, ये अभियान यहाँ पर हमारा चल रहा है, जो नई वाली जनरेशन है, इन लोगों पर ये अवैध तरीके से जो इस प्रकार के इंजेक्शन आदि कर रहे हैं, तो छोटे बच्चों को जो है ये खराब कर रहे हैं, और जिनमें बच्चों की आदत अगर ये पड़ जा रही है इसकी, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है आगे के लिए उनके जीवन के लिए खतरा बना हुआ है। तो इसी के अनुसार पर हमारे समय समय पर जो अभियान चलाए जा रहे हैं, कल एक रिहाना बेगम नाम की एक लेडीज़ है, ये गड्ढा कॉलोनी सुल्तानपुर पट्टी में, तो उसके घर से अवैध तौर पर जो है 75 ये जहरीले इंजेक्शन पाए गए हैं, जिसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद सिद्धार्थ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थ नगर। सरकारी जमीन से हटवाया गया कब्जा, गंगोह में चला बाबा का बुलडोजर। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से लगातार बाबा का बुलडोजर गरजता नजर आ रहा है। इसी क्रम में आज गंगोह में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटवाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध कब्जाधारियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। यह जमीन अल्पसंख्यक विभाग को छात्रावास बनाने के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों के द्वारा यहां पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको आज कब्जा मुक्त करा लिया गया है। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। मेरा नाम कुमार पाराशर है और मैं गंगो में लेखपाल हूं। और आज जो था प्रकरण ये था कि खसरा नंबर हमारा 1355 1356, ये जो सरकारी नवीन पर्ती का नंबर है, और इसको हमने इसको डेढ़ साल पहले अल्पसंख्यक विभाग को छात्रावास बनाने के लिए आवंटन किया था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने इस पर अवैध रूप से चारदीवारी बना के, जैसे कि आप देख रहे हैं, कब्जा कर लिया था। तो तत्कालीन SDM साहब के निर्देश क्रम में आज इस अवैध कब्जे को हटवाया गया है। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर।
बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। लखीमपुर खीरी की ब्लॉक नकहा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मजरा में ग्राम पंचायत सदस्य फर्जी पाए गए थे, जिस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को कुछ लोगों के द्वारा एप्लीकेशन दी गई। उसके बाद उच्च अधिकारियों के द्वारा ग्राम पंचायत सदस्य टीम का गठन किया गया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण लोग भी मौजूद रहे। जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा कुछ दिन पहले एक निर्देश जारी किया गया था कि आवास के नाम पर अगर कोई भी व्यक्ति पैसे मांग रहा है तो उसके साक्ष्य आप हमको उपलब्ध करवाएं, परंतु तत्काल पैसे मांगने वाले भ्रष्ट लोगों पर FIR दर्ज कराकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। मगर वहीं पर ग्राम पंचायत टीम का गठन करने पहुंचे अधिकारियों के सामने एक व्यक्ति के प्रधान के ऊपर 30,000 रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लेने का आरोप लगाया, जिसका ऑडियो भी पीड़ित के पास साक्ष्य के तौर पर मौजूद है। अब देखना यह है कि ऐसे भ्रष्ट प्रधान के ऊपर शासन प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। कासगंज में RSS के ब्रज प्रांत की संचालक राजपाल सिंह की शव यात्रा कासगंज पहुंची। यहां श्री गणेश इंटर कॉलेज में संघ के कार्यकर्ता व भाजपा नेताओं ने श्रद्धा अंजलि अर्पित की। शव यात्रा भारी संख्या में नेता व अन्य लोग शामिल। सैकड़ों वाहनों की लगी लंबी कतारें। कचला गंगा घाट पर किया जाएगा उनका अंतिम संस्कार। भाजपा के बड़े नेताओं के पहुंचने के आसार। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। फिरोजाबाद दौरे पर आए उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने आज फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और वहां पर रजिस्टर में देखा। इसके साथ ही टूडला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। अस्पतालों का निरीक्षण करने के बाद डिप्टी CM ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सभी सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, इसीलिए हम व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जाएगा। मौके पर जाकर हम मरीजों से, उनके परिजनों से मिल रहे हैं और जो भी दिक्कतें उनको हम दूर कर रहे हैं। सर, आजकल चुनाव 2024 के पीछे राजनीतिक सरगर्मियां बड़ी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। हमारा जनाधार बढ़ रहा है। गरीब कल्याण की योजनाएं जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थी, वो जन जन तक पहुंच रही हैं और लोगों का भरोसा भाजपा पर बढ़ा है। सर, 2024 में हम प्रदेश की सभी सीटों पर विजय प्रचंड बहुमत से प्राप्त करेंगे और दोबारा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार। सर, कोई चीज ऐसी जो आपको यहाँ दो दिन के इंस्पेक्शन में कमी लगी? देखिए, ऐसा है कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है।
सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, हर स्थिति में हम चाक चौबंद व्यवस्था फिरोजाबाद के लिए करने वाले हैं। थैंक यू। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक दोस्त की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर एक युवक ने अपने ही दोस्त का होटल के कमरे में प्राइवेट पार्ट काट दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद दोनों में झगड़े में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। घटना के पीछे की वजह असली कुकर्म की वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने की बात सामने आ रही है। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक का उसके इलाके में रहने वाला संविदा के सफाई कर्मी से काफी लंबे समय से दोस्ती थी और दोनों का साथ में रहना भी होता था। बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में दोनों युवकों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक युवक ने दूसरे युवक का प्राइवेट पार्ट काट दिया और इतना ही नहीं, धारदार हथियार से हमला कर दिया और इस हमले में दूसरा भी युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरा भाई अजीत कुमार। अजीत बताओ क्या हुआ? मेरा भाई ड्यूटी जा रहा था, सुबह 4 बजे निकल जाते हैं, बारिश स्टार्ट हो गई थी तो सुबह 4 बजे फ़ोन आना स्टार्ट हो गया उस बंदे का, और नाम बता रहेगा वो सागर, तो तुतला के बोलता है दिल्ली में रहने लगाएगा, पहले सतीपुर में रहता था अब दिल्ली में रहने लगाएगा, तो उसको फ़ोन करके बुलाया गया था कि ऐसी ऐसी जगह यहाँ पर आ जा, तो उसके साथ में बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया, और कितने लड़के थे कितने नहीं थे ये हमें नहीं मालूम है, वो सब उसे पता होगा। बहुत ज़्यादा गंभीर हालत है, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस टाइम पे। क्या हुआ, क्या क्या किया है? उसके यहाँ पे छुरी मारी आएगी, हाथ पे मारी और ये मारा आएगा पूरा, ये सब बहुत ज़्यादा, उसके ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा है नीचे से। क्या कारण था, क्यों हुआ था? ये इस बारे में हमें भाई से बात करे, बस वो ये बोला था कि भाई दोस्त हैगा मेरा, वो बुला रहा था मुझे, मैं चला गया था मिलने के लिए, तो उससे भी नहीं मालूम था कि वो सब कुछ ये करेगा उसके साथ में। हाँ, किस प्लानिंग से आया था, बताया गया था कि वो गे था, उसने बुलाया था ये, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, क्यों बुलाया था, किसने बुलाया था, इस बारे में मुझे कुछ कहीं से कहीं तक नहीं मालूम हैगा कि कौन था वो कौन नहीं था। हमने वो काम करता था स्टाफ के सारे थे, एक बार घर पर आया था, ठीक है, उसके बारे में उसका पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया, काम भी छोड़ दिया था उनने हम लोगों के साथ में। आप लोगों को सूचना कैसी मिली है? ये इसी का फ़ोन आया था हमारे पास, छोटे वाले भाई का फ़ोन आया था कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और मेरी स्थिति नहीं है बिल्कुल बोलने की, मैं बोल सकूँ, तुम लोग जल्दी से सिटी आ जाओ। क्या गोदाम पर क्या ये घाव देख के ऐसा लग रहा है कि चाकू से ही वार करें उसके, क्योंकि घाव उसके काफ़ी गहरे हैं, ये यहाँ पे देखना पूरा क्रॉस बना हुआ बहुत अच्छे से, उसका हाथ बहुत बुरी तरीके कटा हुआ है, ये भी पूरा कटा हुआ है उसका, बहुत ज़्यादा बुरी गंभीर हालत हो रही है उसकी। डॉक्टर जानना चाहेंगे, दो पेशेंट आए हैं, हालत सीरियस है, क्या मामला है, किस तरह के हो रहे हैं? जी जी, चुटेल आया है, पहले बबलू नाम का आया था, उसके गले में चोट थी और सिर पे भी चोट थी, नाक पे भी चोट थी, उसका प्राथमिक उपचार कर भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। उसके कुछ समय बाद एक चुटेल और आया, उसके भी काफ़ी चोटें थी, हाथ पैर में और प्राइवेट पार्ट में भी चोट थी, काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, उसको तुरंत शिफ्ट किया गया ओटी में और इलाज शुरू कर दिया गया है। क्या उसका प्राइवेट कार्ड काट दिया है या पार्ट है? बाकी सर्जन को रिफ़र कर दिया गया है, बाकी जो स्पेशलिस्ट हैं वो देख रहे हैं। हालत कैसी है दोनों की? दोनों ठीक हैं, पैसे होश में हैं, बोल चाल रहे हैं और सर्जन के हिसाब से जैसा भी होगा आगे कराने के लिए। नहीं, घटना की जानकारी नहीं है, वो संबंधित पुलिस उसको देख रही है। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी, नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है, पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता, रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद।
निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। राजस्थान के 12 छिपाब दौड़ उपखंड एवं तहसील क्षेत्र में कुछ समय से बारिश नहीं होने से किसानों के चेहरों पर मायूसी का अंबार लगा हुआ था, लेकिन शनिवार दोपहर को दिन में हुई एक घंटे तक तेज मूसलाधार बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि छिपाब दौड़ उपखंड एवं तहसील क्षेत्र में कुछ एक स्थानों पर बारिश हुई और कुछ एक स्थानों पर बारिश नहीं हुई, जिसके कारण फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई थीं। किसानों ने बताया कि अब हमारी जान में जान आई है, अगर इस समय बारिश नहीं होती तो कोई सी भी फसल हाथ नहीं लगती। फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। जनपद बलरामपुर तहसील तुलसीपुर में आज गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन बड़े ही धूमधाम से परंपरागत शोभा यात्रा निकालकर विसर्जन किया। शोभा यात्रा चुंकीना के से पुरानी बाजार, हनुमानगढ़ी तिराहा नई बाजार, पूर्वा होते हुए इटावा चौराहा, बजरंग बली चौराहा, हर्रिया चौराहा, देवी पाटन होते हुए सिरिया नदी में बहुत ही भक्तिभाव से किया गया। इस शोभा यात्रा में नगर के तमाम संभ्रांत व्यक्तियों सहित नगर में आगामी नगर पंचायत चुनाव के मद्देनजर कई संभावित प्रत्याशियों के सहित महिलाएं, बच्चे व नागरिक थे। वहीं युवा वर्ग बड़ी संख्या में अबीर उड़ाते और नारे लगाते रहे, गणपति बप्पा मोरिया, भारत माता की जय, हाथों में तिरंगा लहराते डीजे की धुन पर नाचते रहे। पुलिस बल पर्याप्त संख्या में चुस्त दुरुस्त दिखे, ऐसो तुलसीपुर अवधेश सिंह, सैकड़ों सिपाही, महिला सिपाही मौजूद रहे, विसर्जन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियां, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। जनपद सिद्धार्थ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थ नगर। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड,
फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी, बाउंसर, लड़के लड़कियां, वीआईपी, वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।